i5 का 11 जनरेशन है, 8 GB रैम, 500 GB SSD आपको मिल जाएगा अंडर वारंटी। लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग i5 11 जनरेशन, 6 महीना पुराना, 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ, 128 GB SSD के साथ। ये मैं आपको दे दूंगा 6,000 रुपया। 15 मॉडल है, 8 GB रैम, 256 GB SSD कोर i5, ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपया में। i5 का 10 जनरेशन विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, ये आपको मिल जाएगा 32 में। ब्रांड न्यू लैपटॉप है, कंपनी से आया हुआ लैपटॉप है। i3 11 जन कंडीशन देखिए, 25 में दे दूंगा, नया का दाम हो रहा 45, 2-3 महीना पुराना। Ryzen 7 5000 सीरीज, 6 मंथ ओल्ड, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा। i5 का 11 जनरेशन इंटेल आईरिस ग्राफिक्स कार्ड के साथ, मिंट कंडीशन, ओपन बॉक्स मतलब ओपन बॉक्स, 8 GB रैम, 128 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, ये आपको मैं दे दूंगा 21,000 रुपया में, मिंट कंडीशन है। Ryzen 5 का i3 का 5th जनरेशन है विद NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड, 4 GB रैम, 128 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, ये आपको मिल जाएगा 11,000 से 12,000 रुपया में। जाऊँ M1 देख लीजिए, रोज गोल्ड, मिंट कंडीशन। i7 का 11 जनरेशन ईवो सर्टिफाइड, इसका नया मार्केट का प्राइस चल रहा है आपका 1,20,000 रुपया, मैं आपको दे दूंगा 55 में। AMD का A6 से 8,000 रुपया है, M2, ये अंडर वारंटी में देख लीजिए। तो ये भी टफ है, बॉक्स पैक है। उसके बाद ये स्ट्रिक्स है, ये भी बॉक्स पैक। Ryzen 9 16 GB रैम, 1 TB SSD, RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड है, एकदम देख लीजिए 8 GB के साथ है पूरा, मिंट कंडीशन, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा। i7 का 11 जनरेशन, ये आपका टफ गेमिंग है, ये आपका जस्ट ओपन बॉक्स है, 1 साल पूरा गारंटी मिलेगा। 11 जनरेशन है इंटेल आईरिस ग्राफिक्स कार्ड के साथ, प्रीमियम लैपटॉप, 28 से 30 का बीच में आपको दे दूंगा। समरसेट आ चुके हैं फिर से आसिफ भैया, कैसे हैं? हम ठीक है, आशा करते हैं आपका ऑडियंस भी अच्छे होंगे। जरूर, तो नया दुकान देख पा रहे, पूरा चेंज हो चुका है। हाँ, ये बहुत, ये आपका कुछ ही महीने में ओपनिंग हुआ है, या पूरा कलेक्शन के साथ आ जाए आपके पास, जितना हो सके आपको दिखा पाऊंगा, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है, मैं आपको जितना दिखा नहीं पाऊंगा, जितना प्रीमियम नॉर्मल रेट जितना भी है सब मैं आज दिखा दूंगा आपको। एड्रेस बोल दीजिए। एड्रेस आपका एकदम सबसे इजी है, 1 नंबर चांदनी चौक है, एक लैंडमार्क बोलेंगे तो साबिर होटल, सामने मेरा एकदम साबिर होटल है, साबिर का ऑपोजिट में कॉर्नर पे दुकान है, कहीं से भी आपको दिख जाएगा ये एकदम। साबिर के आसपास आने से आपको दिख, साबिर का सामने आइएगा, मेरा दुकान आपको दिख जाएगा आराम से। टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग आपका वही रहेगा 11 से आपका 8 बजे तक रहेगा। कलेक्शन में क्या क्या दिखाएंगे? कलेक्शन में तो बहुत कुछ है, मैं इतना कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, मैं प्रीमियम से शुरू करके नॉर्मल रेंज तक भी दिखाऊंगा। तो सारा कलेक्शन आज मिल जाएगा। आज कलेक्शन है, मैं जितना हो सके, मैं क्योंकि मैं सब पहले ही बोल रहा हूँ, मेरा स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इतना नहीं दिखा पाऊंगा, मेरा ज्यादातर माल गोडाउन में रहता है। तो मैं आज शुरुआत करूंगा प्रीमियम से, फिर मैं आपको 5,000 से भी दिखाऊंगा, मैकबुक दिखाऊंगा, गेमिंग दिखाऊंगा, मतलब जितना कैटेगरी है सब मैं आज दिखा दूंगा। तो पहले मैं शुरू करूँ मैं कुछ ओपन बॉक्स कैटेगरी में। ओपन बॉक्स मीन्स आपका, अगर ये लैपटॉप आप देखें, ये लैपटॉप जस्ट एक कंपनी से आया हुआ लैपटॉप है, बॉक्स पैक रहेगा, कोई स्क्रैच सिंगल स्क्रैच नहीं रहेगा, एकदम ओपन बॉक्स कैटेगरी बोल सकते हैं, बैटरी हेल्थ 100%। i5 का 11 जनरेशन ये लेनोवो में है, देख लीजिए पहले मेरे पास बल्क में है, ये ऐसा खाली मैं आपको सामने दिखा दिया हूँ, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ बोल देता हूँ। ये आपका i5 का 11 जनरेशन है, 8 GB रैम, 500 GB SSD, ये आपको मिल जाएगा 28 से 35 के बीच में, आपको i5 11 जेन 12 जनरेशन हर तरह का मिलेगा, ठीक है, ओपन बॉक्स कैटेगरी है ये। ये भी आपका i5 का 10 जनरेशन विद डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, ये आपको मिल जाएगा 32 में। ब्रांड न्यू का लैपटॉप है, कंपनी से आया हुआ लैपटॉप है, ठीक है, ये आपको 32 में मिल जाएगा। और मैं भी दिखा देता हूँ, i5 का 11 जनरेशन इंटेल आईरिस ग्राफिक्स कार्ड के साथ, मिंट कंडीशन, ओपन बॉक्स मतलब ओपन बॉक्स कंडीशन देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा वही 28-30 अंदर मिल जाएगा। और इस ऐसा कैटेगरी में मेरे पास बहुत है, मैं सब दिखा नहीं पाऊंगा। i5 11 जन सेम कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी देख लीजिए, ये फिर आपको i5 11 जन 15 इंच मिल जाएगा, जो 14 इंच नहीं चाहिए, 15 इंच चाहिए, वो 15 इंच में आपको दे दूंगा, वही आपका 30-32 में ब्रांड न्यू पीस दे दूंगा मैं आपको, सेम कॉन्फ़िगरेशन, वही i5 11 जनरेशन, 8 GB रैम, 500 GB SSD, किसी में 16 GB भी है। ये मेरे पास बल्क में है, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट की दिखा पाऊंगा, सब में बॉक्स मिलेगा, ओरिजिनल चार्जर, हाँ, बैटरी बैकअप जैसा नया है, बैटरी हेल्थ में दिखा दूंगा 100% हेल्थ रहा, क्योंकि कोई यूज ही नहीं किया इसको, हाँ, इसीलिए ओपन बॉक्स कैटेगरी में। और एक मैं दिखा देता हूँ, i7 का 11 जनरेशन ईवो सर्टिफाइड, इसका नया मार्केट का प्राइस चल रहा है आपका 1,20,000 रुपया, मैं आपको दे दूंगा 55 में, 56-55 में दे दूंगा ये आपको। 360 टच है, पूरा 360 टच है, ब्रांड न्यू कंडीशन, 16 GB रैम, 500 GB SSD, जैसे लेनोवो में मेरे पास बहुत कलेक्शन है, ठीक है। अब मेरा पास प्रीमियम में आ गया है,
अब मैं कुछ आपको गेमिंग में दिखा दूँ। गेमिंग में मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग रेंज आपका देखिए, गेमिंग i5 का 8 जनरेशन है, 8 GB रैम, 256 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क। ये मैं आपको दे दूंगा, ये आपको दे दूंगा 24 में, 24 में i5 का 8 जनरेशन दूंगा, एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के साथ। गेमिंग लैपटॉप है, गेमिंग लैपटॉप है। हाँ, उससे नीचे भी आता है, मैं किसी को 16-17 हज़ार में भी आता है, उसमें 4 GB गेम, 1050 ग्राफिक्स कार्ड रहता है। ये आप देख लीजिए, अंडर वारंटी लेनोवो आइडिया पैड गेमिंग i5 11th जनरेशन, 6 महीना पुराना, 1 साल एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ। ये आपको 35 में मिलेगा, 6 महीना पुराना प्लस 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी के साथ है। हाँ, 8 GB रैम, 500 GB SSD, कोर i5 11th जनरेशन, 1650 ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया का। उसका बाद में दिखा देता हूँ थोड़ा उसके ऊपर में, ये विक्टर्स देखिए, Ryzen 7 5000 सीरीज, 6 मंथ 8 old, RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड है, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा। ये आपको दे दूंगा 47-48 में दे दूंगा, नया का दाम चल रहा है 75-80 का बीच में, 6 महीना पुराना है। 4 GB ग्राफिक्स, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, RTX का 3060। उसके ऊपर में मैं जाता हूँ तो मैं आपको दिखा दूँ, टफ दिखा देता हूँ, Ryzen 7 में 4000 सीरीज में, ये भी आपका 3050 ग्राफिक्स कार्ड के साथ है। ये आपको 45 में मिलेगा, 16 GB रैम, 500 GB SSD, बॉक्स के साथ, बिल बॉक्स सब मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा 45 में। बॉक्स पैक वाला भी है मेरे पास, जैसे कि ये देखिए, ये आपका, ये भी टफ है, बॉक्स पैक है। उसके बाद ये स्ट्रिक्स है, ये भी बॉक्स पैक है, मैं दिखा नहीं पाऊंगा, जितना ओपन बॉक्स है मैं दिखा देता हूँ। मैं और दिखा दूँ आपको थोड़ा, ये आपका Ryzen 9 है, 5000 सीरीज, ये RTX 3060 के साथ है। ये आपको मिल जाएगा 55-60 का बीच में, Ryzen 9। मार्केट में मिलता भी कम है। हाँ, उसके बाद और थोड़ा ऊपर में जाऊँ तो मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा प्रीमियम है, स्ट्रिक्स दिखा दूँ, Ryzen 9, 16 GB रैम, 1 TB SSD, RTX 3060 ग्राफिक्स कार्ड है, एकदम देख लिया, 8 GB के साथ है पूरा, हाँ, मिंट कंडीशन, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा। ये आपका 65 में मिल जाएगा मिंट कंडीशन, नया का 1.10 समथिंग। हाँ, और उससे ऊंचा थोड़ा और दिखा दो, मिंट कंडीशन देखिए, कंडीशन देख लीजिए हम लोग पास गेमिंग में। i7 का 11th जनरेशन, ये आपका टफ गेमिंग है, ये आपका जस्ट ओपन बॉक्स है, 1 साल पूरा गारंटी मिलेगा, बॉक्स ओपन किया कस्टमर सेल कर दिया। नया का दाम समथिंग कुछ 80-85 का है, ये आपको दे दूंगा मैं 65 में, जस्ट ये वारंटी पूरा मिलेगा, प्लस आपका ओपन बॉक्स का डेली कंडीशन देख लीजिए, इसका बॉक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, मतलब कुछ ही दिन का लैपटॉप। हाँ, जस्ट ओपन हुआ है, 1-2 दिन पकड़ सकते हैं, आपको 1 साल का वारंटी मिलेगा। उसका बाद मेरे पास कुछ वही, जब ओपन बॉक्स कैटेगरी में गेमिंग दिखाया था, ये मेरे पास सेम मॉडल मेरे पास बहुत है। ये आपका लेजियन है, Legion 5 Pro है, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूँ, i7 10th जनरेशन, RTX 2070 सुपर ग्राफिक्स कार्ड है, 16 GB रैम, 500 GB SSD, सब मेरे पास बल्क में मिलेगा। ये आपको दे दूंगा 52 में, ये मेरे पास दो पीस दिखाया, और भी लैपटॉप है, मैं सब बल्क में उठा, बल्क में दे दूंगा। मेरे पास गेमिंग जितना है उतना दिखा दिया, और जितना है उन्हें दिखा नहीं पाऊंगा। जो भी रिक्वायरमेंट हो गेमिंग के लेके, मैक के लिए, कुछ भी आपका रिक्वायरमेंट है हमको बोल सकते हैं। अभी मैं अगर आपको मैक में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लो रेंज का दिखाऊंगा। तो अब आ चुके हम लोग मैक लेके, मैक में एकदम स्टार्टिंग प्राइस दिखा दो, एकदम पुराना लैपटॉप नहीं है जो आपको 10,000-12,000 दे दूंगी, आपको 2015 मॉडल है, 8 GB रैम, 256 GB SSD, Core i5, ये आपको मिल जाएगा 18,000 रुपया में, एकदम मिंट कंडीशन। वारंटी हम लोग का पहले भी मेरा वीडियो में जो बताया था, 1 मंथ फुल रिप्लेसमेंट देंगे, 1 ईयर फुल, सॉरी 6 मंथ सर्विस वारंटी, 1 महीने अंदर कुछ भी हो लैपटॉप लेके आइएगा, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब उससे नीचे थोड़ा दिखा दो, टच बार मॉडल दिखा देता हूँ मैं, Core i5 8 GB रैम, 256 GB SSD, आपको 40-42 में मिल जाएगा, ऐसा मेरे पास बल्क में हमेशा रहता है। उससे ऊंचा जाइएगा तो और दिखा दो, 2020 मॉडल देखिए, Core i5 16 GB रैम, 500 GB SSD, ये आपको दे दूंगा 45 में, ये 2020 मॉडल है। इससे ऊपर जाइए थोड़ा और, ये आपको टच बार मॉडल है 15 इंच में, ये आपका 18 का 19 का मॉडल मिल जाएगा, 16 GB रैम, 500 GB SSD, Core i7 55-56 में मिल जाएगा, ये आपको सेम मिलेगा। इसमें मेरा बस i9 में भी आता रहता है, कोई भी हाई लैपटॉप चाहिए इसमें 15 इंच में एडिटिंग के लिए, i9 32 GB 1 TB के साथ भी है, इंक्वायरी कर लीजिएगा, एक बार पूछ लीजिएगा जी आपका स्टॉक है क्या। हाफ टाइम जितना मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास छोटा जगह है, मेरा ज़्यादातर माल मेरा गोडाउन में रहता है, ठीक है। और उससे ऊपर में जाऊँगा, M1 देख लीजिए, रोज गोल्ड मिंट कंडीशन, ये आपको मिल जाएगा 48 48 तक दे दूंगा, 50 में दे दूंगा,
इसे वारंटी में भी रहता है, 6 महीना पुराना, 3 महीना पुराना, बहुत टाइम में रहेगा। ओपन बॉक्स भी देखा हूँ आपके पास। हाँ ओपन बॉक्स तो रहेगा ही, ज्यादातर मेरे पास अंडर वारंटी में भी रहता है। ये देखिए 2018 मॉडल है, एकदम बॉक्स पैक है, वारंटी नहीं लेकिन मिंट कंडीशन है। 4042 में दे दूंगा। तो ये आपका 16 GB रैम 500 SSD के साथ, 2018। ये आपको है M2, ये अंडर वारंटी में देख लीजिए। ये आपको दे दूंगा मैं 68 65 ऐसा आता है, जैसा वारंटी रहेगा वैसा मैं कर दूंगा। हाँ पूरा एकदम एक्सेसरीज कंप्लीट मिलेगा, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा ज्यादातर। देखिए एकदम परफेक्ट कंडीशन में मैक्स M2 Air, M2 Pro भी मिल जाएगा, M1 Pro Max भी मिलेगा। जो जैसा रिक्वायरमेंट वैसा बोलिएगा, हम कर देंगे, कॉल कर लीजिएगा। ये आपका 68 65 में मिल जाएगा, जैसा वारंटी रहेगा उस हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन देंगे। ज्यादातर 10 से 15 रहेगा अगर वारंटी रहा, अगर वारंटी नहीं रहा तो 40 50 तक मिल जाएगा। हाँ ये आपको मेरे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं मैक दिखा दिया हूँ, अगर हो अभी मैं आपको मिड रेंज और लो रेंज में दिखा दूंगा। तो अभी हम शुरू करते हैं लो रेंज से लेके मिड रेंज और उससे थोड़ा हाई और थोड़ा नॉर्मल रेंज में मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। एकदम स्टार्टिंग प्राइस अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग प्राइस दिखा देता हूँ। i3 का 2nd जनरेशन, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, ये आपको मिल जाएगा 8000 रुपया, 8000। उससे सस्ता में मैं दिखा देता हूँ, आपका डुअल कोर का है, क्वाड कोर है, 4 GB 500 GB, ये आपको दे दूंगा 7000 रुपया में, ठीक है। उससे सस्ता में अगर दिखाऊंगा तो ये आपका डुअल कोर है, 8 128 GB SSD के साथ, ये मैं आपको दे दूंगा 6000 रुपया में। ये आपका नॉर्मल रेंज हो गया। इससे ऊपर मैं थोड़ा दिखाऊंगा i5 का 3rd जनरेशन, ये आपको मिल जाएगा 10 से 12 हज़ार में ग्राफिक्स कार्ड के साथ एकदम। i5 का 3rd जनरेशन 10 से 12 हज़ार में दे दूंगा। उससे ऊपर में अगर क्वाड कोर लेना चाहते हैं तो क्वाड कोर आपको मिल जाएगा 8 GB 4 GB रैम 500 GB हार्ड डिस्क, ये आपको मिल जाएगा 6000 रुपया। उससे ऊंचा दिखाऊंगा, ये सब मिक्स्ड लैपटॉप है, हर तरह का कॉन्फ़िगरेशन से मैं आपको दूंगा। ये आपका i3 का 5th जनरेशन है विद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड, 4 GB रैम, 120 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, ये आपको मिल जाएगा 11000 से 12000 रुपया में। ये हो गया। अब थोड़ा इससे ऊंचा में जाते हैं, ये आपका i3 7th जनरेशन है, 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, ये आपको मैं दे दूंगा, ये आपको मिल जाएगा 13 13.5 हज़ार रुपया में, i3 7th जनरेशन। उससे ऊंचा जाइएगा, आपको i3 का 6th जनरेशन है, ये मैं आपको दे दूंगा 12 12.5 हज़ार रुपये में। ये सब में नॉर्मल रेंज का है। ये भी आपका सेम है i3 6th जनरेशन, ये भी आपको मिल जाएगा 12 13 हज़ार रुपये में। हार्ड डिस्क के साथ अगर किसी को SSD रिक्वायरमेंट होगा हमको बोलिएगा, जितना GB होगा वो एड ऑन हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो आपको देना पड़ेगा। AMD का A6 से 8 हज़ार रुपया नॉर्मल रेट का बता रहा हूँ मैं, सब बल्क में मेरे पास होगा मैं उतना नहीं दिखा पाऊंगा। ये आपका i3 का 6th जनरेशन है, सॉरी 4th जनरेशन है, ये आपको मैं दे दूंगा 9 से 10 हज़ार रुपये में। ये सब जो कैटेगरी में दिखाया हूँ मेरे पास बहुत रहता है, ये जस्ट डेमो है। इस कैटेगरी में मैं आपको 10 से 12 हज़ार में आपको i3 4th 5th दे दूंगा, 6 7 जन होगा तो 14 से 15 हज़ार, उससे प्रीमियम ले लीजिएगा तो उस हिसाब से आपका दाम होगा। अब मैं लेनोवो का कुछ कैटेगरी दिखा देता हूँ। राइजन 5 है, 8 GB रैम, 128 GB SSD, 1 TB हार्ड डिस्क, ये आपको मैं दे दूंगा 21 हज़ार रुपया में, मिंट कंडीशन है राइजन 5। ये आपको मिल जाएगा i3 7th जनरेशन, ये आपका 13 13.5 हज़ार रुपया लेनोवो का विथ SSD रहेगा, 1 TB प्लस 128 GB SSD के साथ। ये आपका रहेगा i5 का 10th जनरेशन, 8 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 256 GB SSD, आपको 23 25 में मिल जाएगा। खोल के देख लीजिए, सब एक ही कैटेगरी का है, लेनोवो है, मतलब लेनोवो में मेरे पास जो भी लैपटॉप रहेगा एक ही साथ आपका बल्क में रहेगा ब्रांड में। उससे ऊंचा में अगर दिखाऊँ तो ये आपका i3 का 8th जनरेशन है, 12 12.5 हज़ार रुपये में हंस के मिल जाएगा। ये सब कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, बल्क में है मैं उतना नहीं बता पाऊंगा वीडियो में, जो भी रिक्वायरमेंट है आप पूछ लीजिएगा। अब उससे ऊंचा में थोड़ा मिड रेंज में हो गया, थोड़ा प्रीमियम सीरीज दिखा देता हूँ। i5 8th जनरेशन डेल का, 8 GB रैम, 500 GB SSD, प्रीमियम देखिए, एकदम प्रीमियम लैपटॉप है, ये आपको 23 से 24 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, ठीक है। एक XPS डेल का देखिए, डेल का XPS i5 i7 का 7th जनरेशन है, ये आपको मिलेगा 26। उससे ऊंचा देखिएगा, ये आपको मिलेगा i5 10th जनरेशन है, प्रीमियम लैपटॉप, 8 GB रैम, 500 GB SSD, मेटल बॉडी, कंडीशन देखिए विद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड के साथ, ये आपको दे दूंगा मैं 28 से 30 का बीच में। अब लेना वो मैं थोड़ा मेटल बॉडी प्रीमियम में दिखा देता हूँ मैं। i5 का 8th जनरेशन है, 8 500 GB, ये आपको मिलेगा 23 25, सेम कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास जो बल्क में आएगा वही मिल जाएगा। 25 26 में i5 10th जनरेशन विद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड, मेटल बॉडी,
बैकलिट कीबोर्ड के साथ मिलेगा प्रीमियम सीरीज। अब थोड़ा एचपी में प्रीमियम दिखा दूं, ये आपका अंडर i5 का 11 जनरेशन है इंटेल आईरिस ग्राफिक्स कार्ड के साथ प्रीमियम लैपटॉप, 28 से 30 का बीच में आपको दे दूंगा। ये आपका राइजन 5 का 5000 सीरीज थ्री मंथ ओल्ड है, कंडीशन देख लीजिए एक बार, मेटल बॉडी, ये आपको दे दूंगा 38, हाँ वारंटी के साथ है, नया का दाम 65 समथिंग कुछ है, बिल बॉक्स सब मिलेगा। उससे ऊंचा 15.6 में देखिए i5 10 जनरेशन 8GB रैम 1TB हार्ड डिस्क, कंडीशन देख लीजिए 23-25 के बीच में i5 10 जनरेशन SSD के साथ दूंगा। अब ऐसा टाइप में मेरा पास अभी मैं दिखा दूँ डेमो के लिए, अंडर वारंटी देखिए 2 महीना पुराना i3 11 जनरेशन, कंडीशन देख लीजिए i3 11 जन कंडीशन देखिए, 25 में दे दूंगा, नया का दाम हो रहा 45, 2-3 महीना पुराना, ऐसा कैटेगरी में मेरे पास बहुत रहता है। 8GB रैम 500GB SSD कोर i3 11 जनरेशन 2 मंथ्स ओल्ड, बिल बॉक्स के साथ मिलेगा, ये आपको दे दूंगा 25 में, नया का दाम भी बता दूं 45-48 का बीच में रहेगा बिल में, देख लीजिएगा, देख के लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा 360 दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ बाबू, दिखा दो थोड़ा 360 में, मैं सर स्टार्टिंग में दिखा दूँ i5 8 जनरेशन 8GB रैम 128 SSD प्लस 1TB हार्ड डिस्क, कंडीशन देख लीजिए HP का, ये मैं आपको दे दूंगा 23 में दे दूंगा। अब थोड़ा उसमें आ जाऊँ, लेनोवो का 360 दिखा दूँ, i3 का 11 जनरेशन देखिए, कंडीशन देखिए मिंट का मेटल बॉडी, सॉरी 12 जनरेशन i3 12 जनरेशन 8GB रैम 500GB SSD मिंट कंडीशन, ये आपको मिल जाएगा 28 का बीच में, मिंट कंडीशन है 12 जनरेशन i3। अब डेल का कुछ 360 टच दिखा दूँ, i3 8 जनरेशन वही आपको 22-23 में SSD के साथ मिल जाएगा, कंडीशन देखिए मीन, सब कैटेगरी है 360 में, ये भी सेम है डेल का कैटेगरी में मिलेगा आपको, i3 का 10 जनरेशन वही 2022, कंडीशन देखिए 360 टच में 360। और उससे बड़ा प्रीमियम में जाना चाहेंगे तो योगा मिलेगा i7 का 11 जनरेशन, सब 1 लाख 1 लाख 20 हज़ार का लैपटॉप है, आपको मिल जाएगा 53-52 में मिलेगा, कंडीशन देखिए। ये तो मेरा पहले बोला ओपन बॉक्स कैटेगरी है, उसके बाद आपको अंडर वारंटी दिखा दूँ, लेनोवो का i7 का 11 जनरेशन है, ये आपको मिलेगा 42 तक मिल जाएगा, अभी ये 18 महीना वारंटी बचा हुआ, कंडीशन में देखिए। उससे ऊपर में एसआर का कुछ मॉडल है, देखिए i7 का i7 10 जनरेशन, ये सब आपको मिल जाएगा 8GB रैम 500GB SSD 26-27 में i7 10 जनरेशन विथ एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड फुल HD IPS डिस्प्ले मिंट कंडीशन मेटल बॉडी एकदम, कंडीशन देख लीजिए। सब दिखा दिया जितना हो सके मैं दिखा दिया, उतना मैं दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास स्टॉक बहुत है, जो भी रिक्वायरमेंट है पूछ लीजिएगा, सबसे पहले जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन लगेगा हमको बताइएगा, हम आपको बता देंगे, कॉल करिएगा, एकदम ईजी है। सामने मेरा साबिर होटल है, साबिर होटल के सामने ही आप देख पाइएगा हमारा दुकान, चांदनी साबिर होटल लैंडमार्क, ठीक है, हर रोज खुला रहेगा, संडे भी खोलते हैं, लेकिन संडे कॉल करके आने से बेटर रहता है, बहुत टाइम में नहीं भी खोल सकते, कभी स्टाफ नहीं आता है तो इसमें। लास्ट मैसेज यही बोलूंगा, आप आइए देखिए, जज करिए प्रोडक्ट और वैल्यू के साथ मैच करिए, अगर आपको मैच अच्छा लगा प्रोडक्ट और वारंटी कॉन्फ़िगरेशन तो आप लीजिए, ये नहीं कि आप इसमें गिफ्ट दे रहा वो गिफ्ट दे रहा, उसका पहले भी मैं गिफ्ट देता नहीं था, वीडियो में बताया हूँ बहुत बार, प्रोडक्ट देखिए वैल्यू फॉर मनी लगे तो लीजिए, एक बार देखे घूम के जाइए, चांदनी में है घूम के जा सकते हैं। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।